दोस्तों, आप सबने तो डायनासोर के बारे में सुना और टीवी पर देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुल कितने प्रकार और प्रजाति के डायनासोर आज तक खोजे गए हैं? चलिए आज हम जानेंगे डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं, उन डायनासोर के नाम, उनकी प्रजाति और उनसे जुड़ी कुछ और रोचक बातें। वैसे देखा जाए तो डायनासोरस में बहुत सारी प्रजातियां आज तक खोजे जा चुके हैं, मगर आज हम उनमें से कुछ मुख्य प्रजातियों और प्रकारों के बारे में जानेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों ने 2000 से भी ज्यादा डायनासोरस के प्रजातियों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को दुनिया के हर एक हिस्से में डायनासोरस के अवशेष मिले हैं। उनके अनुसार डायनासोरस ने पृथ्वी पर लगभग 14 से 15 करोड़ साल राज किया होगा। अब जानते हैं डायनासोर के नाम और प्रकार। डायनासोर के स्पीसीज का अस्तित्व लगभग 7 करोड़ साल पहले एक भयंकर बड़ी दुर्घटना से खत्म हो गई, मगर कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च की वजह से हमें जिन डायनासोर की स्पीसीज का पता चला है उन डायनासोर के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पर है। अब आइए इन सब के बारे में बारी बारी विस्तार से जानते हैं। नंबर एक पर है टायरानोसॉरस यानी टी रेक्स। टायरानोसॉरस दुनिया के उन हिस्सों में रहते थे जहां पर अभी दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका है। टायरानोसॉरस की लंबाई 13 से 14 मीटर तक हो सकती थी और उनका वजन 7 से 8 टन तक हो सकता है। टायरानोसॉरस आज से 65 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। उनके दौड़ने की रफ्तार 20 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती थी और वो अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखते थे। टायरानोसॉरस डायनासोर मांसाहारी जीव थे और उन्हें टी रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो पर ट्राइसेराप्टोप्स। ट्राइसेराप्टोप्स डायनासोरस को तीन सिंग वाले सर की वजह से उसे ट्राइसेराप्टोप्स नाम से जाना जाता है। ये डायनासोरस की प्रजाति हमेशा झुंड में रहते थे। इन डायनासोरस के अवशेष पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। ये डायनासोर बहुत ही भारी, बड़े और शाकाहारी डायनासोरस थे और ये डायनासोरस 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग के अंत तक जीवित थे। नंबर तीन पर अपेटोसॉरस। अपेटोसॉरस एक विशाल डायनासोर है जिसे ब्रोंटोसॉरस भी कहते हैं। इस डायनासोरस के अवशेष 1877 में चार्ल्स मार्श ने खोजी थी। इस डायनासोरस की लंबाई 20 से 25 मीटर तक हो सकती है और वजन 20 से 25 टन तक हो सकता है। अपेटोसॉरस डायनासोर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी था और ये डायनासोरस शाकाहारी थे। अपेटोसॉरस को अपने पूर्ण आकार में आने के लिए 10 से 11 साल लगते थे। इस डायनासोरस की लंबी पूंछ होती थी जो कि उसकी लंबी गर्दन को संतुलन में बनाए रखती थी। ये डायनासोरस जुरासिक काल में आज से 15 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। नंबर चार पर जिगेंटोसॉरस। जिगेंटोसॉरस आकार में टी रेक्स डायनासोर से भी बड़े डायनासोर थे और वो अपने दो पैरों पर चलते थे। उनका वजन 12 से 13 टन तक हो सकता है और उनके दौड़ने की रफ्तार 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होने के बावजूद ये डायनासोरस तेज दौड़ने के साथ साथ अपने शरीर का संतुलन भी बनाए रखते थे। जिगेंटोसॉरस बहुत ही होशियार शिकारी थे। वो अपने शिकार के गंध को बहुत ही दूर से और गहराई से सूंघ लेते थे। इनका जीवाश्म 1993 में पाया गया था। नंबर पांच पर स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस बहुत ही बड़े डायनासोरस थे जिनकी लंबाई 12 से 15 मीटर तक और उनका वजन 10 से 12 टन तक हो सकता था। शायद ये डायनासोरस बहुत ही बड़े मांसाहारी डायनासोरस थे। स्पाइनोसॉरस का नाम उसकी विशाल पीठ से हो सकता है, जो उनके शरीर के ऊपर बहुत बड़ी पीठ है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। ये डायनासोरस दो पैरों पे चलते थे और अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके नीचे झुककर भी अपना शिकार कर सकते थे। नंबर 6 पर एलोसॉरस। एलोसॉरस एक मांसाहारी डायनासोर था जिसके तेज और लंबे दांत थे। एलोसॉरस के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए हैं। एलोसॉरस आज से 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे।
एलोसॉरस का वजन 2 से 3 टन तक हो सकता है और लंबाई 8 से 9 मीटर। एलोसॉरस की खोपड़ी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी पूंछ से शरीर और सिर का संतुलन बनाए रखता था। इसके जीवाश्म पश्चिमी अमेरिका में पाए गए थे। नंबर 7 पर वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर आज से 70 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। वेलोसिरेप्टर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है और ऊंचाई 0.5 से 1 मीटर तक हो सकती है। इस डायनासोर का वजन 15 से 25 किलो तक हो सकता है। सबसे पहले वेलोसिरेप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलियन गोबी मरुस्थल में मिला था। वेलोसिरेप्टर एक बहुत ही चालाक शिकारी था। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त था। वो अपने शिकार को पैरों के नाखूनों से वार करके शिकार को घायल करता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य डायनासोर के प्रकार, उनके नाम और उनकी स्पीशीज की जानकारी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।